और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया और आइए हम नजर डाल लेते हैं अब तक की तमाम बड़ी सुर्खियों पर। औरैया में आदतों से बाज नहीं आ रहा सप्लाई विभाग, अलीगढ़ में धरना प्रदर्शन, फैजाबाद में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अव्यवस्था का शिकार। अब समाचार विस्तार से। औरैया में दो बार खाद्यान्न विभाग द्वारा मिली भगत कर राशन घोटाले को न्यूज पर चलाया गया। अब सवाल यह है कि राशन डीलर पर कार्यवाही की जा रही है परंतु विभागीय अधिकारियों पर कार्यवाही नहीं हो रही है। मीडिया टीम को देखते ही सरकने लगता है राशन डीलर। इतना ही नहीं, ग्राम प्रधान ने कई ग्रामीणों से 10-10 हजार रूपए लेने के बाद भी नहीं दिया आवास व शौचालय। मीडिया से बात करते ग्रामीण अशोक। कितने दिन से खाद्यान्न नहीं दिया है? दो महीने से बिल्कुल दिया ही नहीं है। क्या कहा राशन डीलर ने? तुम अगले महीने बोले कि मेरी लड़की की शादी है, ये वो बोलता है। लड़की की शादी है तो क्या गरीबों के खाद्यान्न से लड़की की शादी करेंगे? राशन वितरण की पर्ची दिखाती महिलाएं। ग्रामीण के द्वारा सप्लाई निरीक्षक संतोष पर लगाए आरोप। तीन पंचवर्षीय अंत्योदय कार्ड है तो आपको कब से राशन नहीं मिला? ये तीसरा महीना है। क्या कहते हैं राशन डीलर? उन्होंने ऐसा था, अभी उसने कहा था मेरी बिटिया का ब्याह, बिटियों को ब्याह होएगो। शराब के जाम छलकाते दिख रहे ग्राम प्रधान। जाके फरमा दे दो कितने बड़े हैं, मीट कितनी छोटी निकल रही। मीडिया से बात करते हैं राशन डीलर संतोष। उन्होंने आरोप लगाया है, सुनिए तो खराब थी, कल बांटेंगे। मेरी बात सुनिए, चार महीने हो गए कुछ नहीं, चार महीने से कोई खाद्यान्न नहीं मिला है। तो पब्लिक से पूछ लो। मीडिया से बात करते ग्राम प्रधान। खाद्यान्न तो वितरण हुआ है। खाद्यान्न वितरण हुआ है, जो लोग आरोप लगा रहे हैं झूठा आरोप लगा रहे हैं वो तो थोड़ा बहुत, तो जो जिसको थोड़ा बहुत नहीं मिला, जो छूट गया 30% छूट गया, तो उसमें जो है तो वो तो आरोप लगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव विवेक बंसल, पूर्व विधायक और महानगर कांग्रेस पार्टी की ओर से कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया और माननीय राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन SCM द्वितीय श्री अनिल कुमार त्रिपाठी को दिया। कार्यक्रम स्थल पर महिला कार्यकर्ताओं ने विजय लक्ष्मी सिंह के नेतृत्व में मिट्टी का चूल्हा बनाकर रोटियां सेकी व चटनी के साथ धरने पर उपस्थित कार्यकर्ताओं व आम जनता को खिलाई। गैस सिलेंडरों की कीमतों में वृद्धि हुई है, जिसमें 48 रुपए सब्सिडी वाले चूल्हे पे वृद्धि हुई है जो आम गैस सिलेंडरों पे हुई है। तो एक तरफ तो सरकार कह रही है कि ईंधन का चूल्हा जो है स्वास्थ्य के लिए प्राण घातक है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा जो है गैस पेट्रोल डीजल में अलीगढ़ के थाना क्षेत्र सिविल लाइन में एक हिंदू लड़की वंदना चौहान, अलीगढ़ निवासी को अपने प्यार में फंसाकर मुस्लिम लड़के ने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार की शादी। उसके दो बच्चे भी हैं। शादी होने के कुछ दिन पश्चात पता लगा कि शादी के समय उसने अपना नाम कबीर चौहान बताया था, जबकि वास्तविकता में वह शोएब शरीफ है। वंदना का नाम मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार भी बदला गया। इतना ही नहीं, ससुर शरीफ खान ने बुरी नीयत से उसके कपड़े भी फाड़े थे। सास शरीफा बेगम व पति ने उससे मारपीट भी की व घर से निकाल दिया। परिवारजन उसे विदेश भेजकर बेचना भी चाहते थे। अतः वंदना ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से लगाई न्याय की गुहार। 16-15 में मुझे तलाक दिया था, फिर 2016 में उसने मुझसे दोबारा निकाह के लिए मुझे कन्विंस कर लिया। मेरा हलाला निकाह अपने भाई के, छोटे भाई के साथ कराया पहले। और जो लव जिहाद का मकसद होता है, उस उद्देश्य को पूर्ण करते हुए ये विक्टिम है, इसको धंधे पे लगाया जा रहा है क्योंकि हिंदू है, बच्चे पैदा करके इसको लावारिस छोड़ा जा रहा है। और अब जब सच बोलने के पथ पर ये आई हैं और सच को सबके सामने रखना चाहती हैं, तो ससुराल वाले धमकी दे रहे हैं कि इनको और इनके बच्चों को जान से मार देंगे, तुम्हारे मायके वाले को खत्म कर देंगे। अलीगढ़ के थाना इंगलास क्षेत्र के ताहरपुर गाँव के दानवीर पुत्र लक्ष्मी नारायण के 6 वर्षीय पुत्र अनुज के अपहरण होने व अपहृत को मुक्त करने के बदले अपहरणकर्ता द्वारा 15 लाख रुपए की फिरौती मांगने के संबंध में थाना इंगलास पर पंजीकृत किया गया था, जिसके संबंध में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व पुलिस अधीक्षक नगर के संयुक्त निर्देशन में क्षेत्राधिकारी इंगलास के नेतृत्व में सर्विस लांस टीम व थाना पुलिस को लगाया गया था।
उक्त टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए अपहृत बालक अनुज को 24 घंटे के अंदर गाजियाबाद से खोज कर सफलता प्राप्त की गई। क्यों किया था आपने अपने बच्चे का अपहरण? सर मैंने अपहरण नहीं किया था, मैंने गैस दिलवाया था, इस तरह से कि मेरे पे कर्जा हो गया था, तो मैं सोच रहा था मैं अपने बच्चे को दो दिन आर्ट्स में रख दूँ और ड्रामा कर दूँ यहाँ पे, तो मेरा बच्चे का अपहरण हो गया। बच्चा है अनुज का अपहरण हो गया था, पुलिस को सूचना हुई और उसकी शिकायत किया गया। अलीगढ़ पुलिस ने एसओजी की टीम ने थाना इलाज और सभी कार्य 24 घंटे के अंदर बच्चे का पूरा मामला जो खुल के आया है वो ये है कि जो लड़की के पिता हैं उसके ऊपर 12 लाख का खर्च था। कस्बा खैर के प्रतिष्ठित व्यापारी श्री विजय कुमार गंगल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसी क्रम में श्री पवन चौधरी अपनी टीम व सर्विस लाइन टीम के प्रभारी श्री अभय शर्मा द्वारा अभियुक्त प्रदीप की हत्या में प्रयुक्त हथियार सहित गिरफ्तार किया गया। पुलिस का सिकंजा कसे जाने के कारण उपरोक्त अभियुक्त का दूसरा हत्या करने वाला साथी अन्य मुकदमे में जमानत तोड़वाकर जेल जाने की जानकारी हुई है। हत्या के मुख्य सूत्रधार की भी पुलिस को जानकारी हो गई है, जिसकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। इसमें आज पुलिस खैर पुलिस ने कल इसमें शूटर था उसमें उसकी गिरफ्तारी की, जिसने गोलियां उपलब्ध कराई थी, हथियार उपलब्ध कराए थे, उस आदमी की भी पुलिस ने गिरफ्तारी की। मथुरा क्षेत्र का पूछताछ लगातार घटना के बाद से फरार चल रहा है, और शक मजबूत हुआ है। कल चेकिंग के दौरान ये पुलिस के हत्थे चढ़ गया। अब यहाँ लेते हैं छोटा सा विराम। शिक्षा हो बच्चों का आधार, तभी विकसित होंगे नौनिहाल। जी हाँ, ऐसी ही शिक्षा पाने के लिए आइए आदर्श पब्लिक स्कूल में, जहाँ है खेल कूद एवं योग शिक्षा, बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास, कक्षा 1 से कंप्यूटर शिक्षा निःशुल्क, गरीब छात्र छात्राओं के लिए विशेष छूट, अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा शिक्षण की व्यवस्था, सामान्य ज्ञान, शारीरिक शिक्षा एवं कला की विशेष सुविधाएं, ऑडियो वीडियो एवं खिलौनों से बच्चों की शिक्षा, प्रत्येक कक्षा में सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था, मेधावी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति की सुविधा, प्रत्येक वर्ष जवाहर नवोदय व सीएचएस की प्रवेश परीक्षा के लिए विद्यार्थियों का चयन भी। तो भूलिए मत, भटपुरवा खुर्द पलही पट्टी वाराणसी में आदर्श पब्लिक स्कूल। फिर स्वागत है। देवरिया खामपार थाना क्षेत्र के जिरवनिया गांव निवासी लाल बाबू कुशवाहा के बगल में रहने वाले शिवजी प्रजापति ने यह कहा कि यह जमीन मेरी है। दोनों पक्षों में वाद विवाद होते होते मारपीट शुरू हो गई। वहीं प्रधान पक्ष का आरोप है कि प्रजापति पक्ष के लोगों ने कार्य में बाधा पहुंचाने का कार्य किया है। वहीं कुछ ग्रामीणों का कहना है कि यह जमीन ग्राम सभा की है। सूचना पाकर पहुंची खामपार पुलिस ने लोगों को दौड़ाया, तब जाकर मामला शांत हुआ। जमीन में बाउंड्री चला रहा था, एसडीएम साहब के कहने पर, तहसीलदार साहब के नापी द्वारा, राजस्व निरीक्षक की टीम से नापी द्वारा पर, और उसी के बगल में आए और मुझ पर वार करना शुरू कर दिए। वार पर मुझ पर लाठी डंडा और फायर किए, मारे और उसके बाद मारने के बाद फिर पर ले गए जेल के पास, एक वहाँ पर पुलिस चौकी, आजमगढ़ से लोकमान्य तिलक टर्मिनल को जाने वाली गाड़ी आजमगढ़ एक्सप्रेस, जो कि आजमगढ़ से शाहगंज के बीच रानी की सराय स्टेशन पर, ट्रेन को रोक दिया गया। ट्रेन ड्राइवर से बातचीत करने पर ट्रेन ड्राइवर ने बताया कि रेलवे पटरी पर काम चल रहा है। यात्रियों से बातचीत करने पर यात्रियों ने बताया कि ट्रेन 2 घंटे लेट है। उसके बाद ट्रेन को फरिया स्टेशन पर रोका गया, जिससे यात्रियों को खाने पीने की सुविधा मिल सके। वहाँ से 9:30-10 बजे तक चले। और यहाँ कितने देर से खड़ी? यहाँ तो 1.5 घंटा से ऊपर हो गया। 1.5 घंटे से ऊपर हो गए, 2 घंटा लगभग हो जाएगा। 2 घंटा है और अभी जाने की कोई उम्मीद तो नहीं लगी? नहीं अभी है। सिकंदरपुर बलिया क्षेत्र के बरमनिया गांव के रमेश सिंह, उम्र 48 वर्ष, दिल्ली सेंट्रल जेल में CRPF में तैनात थे।
जेल में उनकी ड्यूटी लगी थी। घटना उस समय हुई जब रमेश सिंह दिल्ली से अचानक छुट्टी लेकर गांव आ गए। आने के पहले अपने परिवार में से किसी को नहीं बताए कि मैं छुट्टी पे आ रहा हूँ। उनके भाई जब उनसे मिलने आए तो वे शराब के नशे में लंबी लंबी सांसें ले रहे थे और बोल नहीं पा रहे थे। जब उन्हें सिकंदरपुर स्वास्थ्य केंद्र लाया गया तो वहाँ डॉक्टरों ने उपचार के दौरान उन्हें मृत घोषित कर दिया। ये हम लोग उसे 7 वर्ष से अलग रहते हैं जी, और आज ही छुट्टी आए थे। अच्छा। और आकर के बरामदा में जो सो थे। अच्छा अच्छा। और सो गए थे, इनका आवाज़ आ रहा था जी, जोर से घर में कर आवाज़ आए थे। फैजाबाद के इनायत नगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अव्यवस्था का शिकार है। इमरजेंसी वार्ड में गंदगी व्याप्त है एवं दवाएं बाहर से लिखी जा रही हैं, और तो और मरीजों को फार्मासिस्ट ही देखते हैं। कमल अहमद जी, आप यहाँ कब आए? आए एक घंटा डेढ़ भाव हुए। अच्छा, तो यहाँ आप आए उसके बाद आपको यहाँ किसी ने देखा? तबीयत बहुत जो खराब है। यहाँ किसी डॉक्टर ने देखा आपको? सुई लगी। और उसके अलावा दवा वगैरह किसी ने कुछ दिया? दवाएं दिखाएंगे जरा आप अपनी? एक घंटे पहले आप आई हैं, आपको किसी ने यहाँ देखा? कुछ दवाएं वगैरह आपको मिली या कुछ नहीं मिली अभी तक? बस इंजेक्शन लगा, यानी इंजेक्शन आने के कितनी देर बाद लगा? गोंडा भवन जोत औसानी में खुले जानवरों से सारे किसान परेशान हैं। खुले जानवर खेतों का नुकसान करते हैं। किसान अपने खेतों की बराबर रखवाली करते हैं, किंतु इन जानवरों का कोई जिम्मेदार नहीं है। यही बात है कि ये जो गाय सब छोड़ दिए हैं, ये हमारे खेतों का नुकसान करते हैं। आते हैं इधर उधर से खा के चले जाते हैं, जैसा बीज डालने का वक्त है तो ये आके और खा लेते हैं। इसलिए हमको ये देखिए यहाँ पे सब खा रहे हैं, इससे बड़ी परेशानी होती है हमको। छत्तीसगढ़ धमतरी मगरलोड के ग्राम पंचायत नवा गांव में मोहनू राम यादव का प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2015 के सूची में नाम आ गया है, लेकिन अभी तक उनको पंचायत के द्वारा किसी भी तरह की योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। मोनू यादव का कहना है कि बारिश के दिनों में उनके घर पर 2 से 3 फीट पानी भरा रहता है। मोहनू राम यादव को बीजेपी का सदस्य मानकर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है और सरपंच केवल आश्वासन पर आश्वासन दे रहे हैं। मीडिया से बात करते सरपंच जागेश्वरी पोखन कंवर, उसका नाम आ गया है, फिर स्वीकृति नहीं आया है, आएगा फिर उसके खाता में आएगा तो फिर बन जाएगा। मीडिया से बात करते शिकायतकर्ता मोहनू यादव, उल्टा पुल्टा का बोलते कि तो बीजेपी का आदमी है का थे, और हम तो सोचते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस हम कोई नहीं जानते, हम तो आम जनता है भाई, केवल वोट देने वाला। वो आवास के बारे में, और आवास के बारे में 2 साल हो गए आज तक के मतलब कोई मतलब सुनाई चर्चा नहीं, और नीचे वाला है अभी दिखाया हूँ आपको कागज। बिहार में भोजपुर जिला के चौरी थाना के लोग एक सवारी गाड़ी में मसेरवा मेला घूमने गए थे। लौटते समय सवारी गाड़ी अनियंत्रित होकर खैरा थाना के अंधेरी रोड में पलट गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। घायलों के इलाज के लिए सहार सदर हॉस्पिटल भेजा गया है। निकालो निकालो। आज खबरों में बस इतना ही, आगे खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद। फास्ट न्यूज इंडिया के लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।